कि वो पता था, वो जाएंगे मिलने तो आप लोग चलाने लगिएगा, वो गए अब चला रहे हैं। लंबा परिवार है, बड़ा परिवार होता है तो कोई नाराज अलग बात, तो सबको लग कर रहा है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है। जेडीयू के विधायकों को एकजुट करने की कवायद में जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने अपने सरकारी आवास पर भोज आयोजित किया है, जिसमें शामिल होने के लिए बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि क्या फ्लोर टेस्ट वाले दिन खेला होगा, तो इस पर विजय कुमार चौधरी कहते हुए नजर आए कि कोई खेला नहीं होगा। तो वही उनसे पूछा गया कि जेडीयू के कई विधायक गायब है, तो इस पर कहते हुए नजर आए विजय चौधरी कि कोई गायब नहीं है, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट वाले दिन हमारी जो बहुमत है वो अधिक भी हो सकती है, हमारी संख्या अधिक भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आरजेडी के विधायकों को लेकर इशारा करते हुए नजर आए विजय कुमार चौधरी, और यह कहते हुए नजर आए कि आरजेडी के कुछ विधायक हमारे साथ भी आ सकते हैं। इस क्रम में जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार के सियासी भोज में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री जमा खान भी पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा कि कोई खेला नहीं होगा, हमारे सभी विधायक एकजुट है। इस दौरान विजय कुमार चौधरी और पूर्व मंत्री जमा खान क्या कुछ कहते हुए नजर आए, पहले आप वो सुने। कोई नाराज नहीं है, आपसी भाई लंबा परिवार है, बड़ा परिवार होता है तो कोई नाराज अलग बात है, लेकिन सब लोग एकमुश्त है कि बिहार के विकास के लिए एकमुश्त है। नाराज है, नाराज है, बड़ा परिवार की नाराजगी है। फोन तो सबको लग कर रहा है, लेकिन इसी बात नहीं है, सब नीतीश कुमार जी के हार्बर है, चाहने वाले हैं, मरने मिटने वाले हैं। क्या ऑफर दिया गया फोन करके? ऑफर छोड़िए ना, मैं कह रहा हूँ ऑफर चक्कर में हम वहीं पड़ते हैं। जनता यूनाइटेड के लोगों ने एकमुश्त होकर बिहार विकास के लिए सब लोग तैयार बढ़ सकती है। चलिए मांझी जी को जो प्रलोभन दिया जा रहा है, महबूब आलम सर गए हुए उनसे मिलने के लिए, सर क्या कुछ? वो इसीलिए मिलने गए हैं, वो पता था, वो जाएंगे मिलने तो आप लोग चलाने लगिएगा, वो गए अब चला रहे हैं, बहुमत साबित हो जाएगा। तो देखिए विजय चौधरी और संजय झा दो वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा दावा किया कि जीतन राम मांझी और माले विधायक महबूब आलम की मुलाकात को लेकर जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी क्या कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन लोगों की मुलाकात कुछ खास मुलाकात नहीं थी, ये खबरें इसलिए चलाई जा रही है ताकि हम लोग डर जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोगों को, ये लोग तो जानबूझकर मिले हैं ताकि मीडिया में ऐसी ऐसी खबरें चले। इसी के साथ साथ फ्लोर टेस्ट वाले दिन क्या कुछ होगा इसकी सारी जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे विजय चौधरी। तो वही जमा खान की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई और कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार में अब कोई खेला नहीं होगा, फ्लोर टेस्ट वाले दिन हमारी संख्या बढ़ भी सकती है। आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।